नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज है तारीख 22 जनवरी 2019 और इस वीडियो में देखेंगे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए और आज की वीडियो का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, किस राज्य में भारत के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया है? उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु। तो देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, कौन है रक्षा मंत्री? निर्मला सीतारमण, और इन्होंने तमिलनाडु में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इसे तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा नाम दिया गया है। और इसमें तमिलनाडु के 5 शहर शामिल किए जाएंगे और रक्षा औद्योगिक गलियारे के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन रक्षा गलियारों के विकास से एक सुनियोजित एवं सक्षम औद्योगिक आधार तैयार होगा, जिससे देश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन में तेजी आएगी। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो आप मैप में देखिए, यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहाँ के मुख्यमंत्री है T.E.K. पलनीस्वामी और यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 39, विधानसभा सीटों की संख्या है 235 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 18। और जब भी बात आए तमिलनाडु की तो आपके माइंड में 6 प्रश्न तुरंत आने चाहिए। 1, यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। 2, गुइंडी नेशनल पार्क। 3, समुद्री नेशनल पार्क जो कि मन्नार की खाड़ी में है। और सबसे इम्पोर्टेंट 2 प्रश्न है, गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र है कोयम्बटूर में और चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र है चेन्नई में। और सबसे इम्पोर्टेंट 1 आपको ध्यान में रखना है कि बैल को काबू करने वाला त्यौहार मनाया जाता है जिनको कहते हैं जल्लीकट्टू। आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जल्लीकट्टू किस राज्य का त्यौहार है? तो ध्यान में रखना है तमिलनाडु की। और जल्लीकट्टू क्या है? ये बैल को काबू करने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट, मिलिट्री पुलिस में 20% महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा किसने की है? उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, निर्मला सीतारमण। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में 20% महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है और उन्हें मिलिट्री पुलिस में एक जवान के तौर पर महिलाओं को शामिल करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट, 21 जनवरी को भारत के कितने राज्यों में स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, 3 राज्यों में। तो देखिए, हाल ही में 21 जनवरी को भारत के 3 राज्यों में स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा है। आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि ये मुख्य बन गया है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों का अभी हाल ही में 21 जनवरी को स्थापना वर्ष मनाया गया है। तो अब तीनों राज्य को फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं। तो आप मैप में देखिए, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहाँ के मुख्यमंत्री है कोनार्ड संगमा और यहाँ के गवर्नर है तथागत रॉय। और ये कब मनाती है स्थापना दिवस? 21 जनवरी को। नेक्स्ट, ये है मणिपुर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर है नजमा ए हेपतुल्ला। नेक्स्ट, ये है त्रिपुरा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ की राजधानी है अगरतला, यहाँ के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में कप्तान सिंह सोलंकी। और ये भी कब मनाती है स्थापना दिवस? 21 जनवरी को। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और एक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि और लोगों को भी जोड़िए अपने चैनल से। नेक्स्ट, कौन सा शहर वर्ष 2020 हेतु विश्व की पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, रियो डी जेनेरियो। तो देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी 2020 घोषित किया है और इस खिताब का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वास्तुकला स्मारकों को संरक्षित करना है। अब यहाँ पे आपको यूनेस्को दिख रहा होगा तो आपके माइंड में तीन प्रश्न यहाँ से आना चाहिए, काफ़ी पूछा जाता है यूनेस्को से तीन प्रश्न। एक, यूनेस्को का पूरा नाम, यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और एक आपको ध्यान में रखना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस जो कि फ्रांस में है, और इनकी एक स्थापना वर्ष याद आपको रखने हैं, इनकी स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को, ध्यान में रखना है ये सब। नेक्स्ट, हाल ही में 21 जनवरी 2019 को वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण का आयोजन हुआ है? उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन 15वें। तो देखिए, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां संस्करण 21 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ है और ये 21 से 23 जनवरी तक जारी रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2019 को वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 15वें संस्करण के मुख्य अतिथि होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य अतिथि है मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में वनडे में सबसे तेज 27 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गया है? उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, हाशिम अमला। तो देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के ओपनर हाशिम अमला वनडे में सबसे तेज 27 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गया है और उन्होंने 167 वनडे में यह रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही भारत के कप्तान विराट कोहली के 169 मैच में 27 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नेक्स्ट, अब देखते हैं पिछले दिन का प्रश्न का उत्तर। कल मैंने प्रश्न पूछा था, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर था ए नंबर ऑप्शन, प्रभात सिंह। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आज का प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनेगा बेल आइकन यानी कि घंटे, उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और पिछले दिन का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।